यूपी के शहर मेरठ में वंदे मातरम के अपमान को लेकर बड़ा बवाल मच गया। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में नवनिर्वाचित महापौर और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में जमकर हंगामा हुआ। शपथ ग्रहण समारोह के शुरू होने पर वंदे मातरम करने को लेकर हंगामा हो गया, जहां ओवैसी की पार्टी के पार्षदों के साथ भाजपा के पार्षदों ने मारपीट कर दी। कहा गया कि ओवैसी की पार्टी के पार्षद ने वंदे मातरम का विरोध किया था, इसके बाद भाजपा पार्षदों ने उनके साथ मारपीट की। महापौर और पार्षद के चल रहे शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम का शुभारंभ करने के दौरान वंदे मातरम कराया गया था, जिसमें AIMIM के पार्षदों ने वंदे मातरम नहीं गाया। इसको लेकर भाजपा के पार्षदों ने उनके साथ कार्यक्रम के बीच ही मारपीट चालू कर दी। इतना ही नहीं, DM, SPCT और CEO सिविल लाइंस के सामने भाजपा कार्यकर्ता AIMIM के पार्षदों के साथ मारपीट करते रहे। मामला तूल पकड़ा तो पुलिस फोर्स के साथ RAF को भी बुलाना पड़ा। AIMIM के पार्षदों को कार्यक्रम से बाहर निकाल दिया गया। बाद में SPCT और CEO सिविल लाइंस मारपीट में घायल पार्षदों और उनके समर्थकों को कार्यक्रम में अंदर बुलाने की अपील की, साथ ही आश्वासन दिया कि किसी भी पार्षद के साथ अब शपथ ग्रहण समारोह में मारपीट नहीं होगी। हालांकि मामला गरमाया हुआ है। वहीं AIMIM के महानगर अध्यक्ष इमरान अंसारी ने बताया कि AIMIM के चार पार्षद फजल करीम वार्ड 71, ताहिर वार्ड 82, साहिद वार्ड 72, गुड्डी अफजल वार्ड 81 और एक अन्य पार्टी के रिजवान अंसारी वार्ड 73 की शपथ नहीं हो पाई। इन पांच पार्षदों की शपथ शनिवार को नगर निगम में होगी। यह पूरा बवाल मचने के बाद पार्षद नंगे पांव शपथ ग्रहण समारोह से भाग गए और उसके बाद थाने के बाहर भी जमकर हंगामा हुआ।